आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जर्सी मूवी के बारे में, जो तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट के आसपास है। एक्चुअल में जो नई जर्सी आई है वो पुरानी वाली जर्सी 2019 में एक तेलुगु मूवी थी उसी की रीमेक बनाई गई है। इवन नाम भी चेंज नहीं किया गया। ये दोनों के जो डायरेक्टर हैं, यानी 2019 में जो आई और जो 2022 में, दोनों के डायरेक्टर सेम हैं, गौतम तिनानूरी, शायद मैंने उनका नाम सही से लिया हो। अब इस मूवी को देखने के पीछे रीजन ये था जो नई वाली आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2019 वाली मूवी देख चुका था और मैं ये देखना चाहता था कि इसके अंदर इन्होंने नया क्या किया है। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे ये देखकर कि इस मूवी में बिल्कुल भी नया नहीं है। स्टोरी ऑलरेडी पता थी जो 2019 में हम देख चुके थे, इमोशन उनके थ्रू हम जा चुके थे जो 2019 में हमें दिखाई गई थी, सब कुछ पता था कि लास्ट में क्या होने वाला है, इसमें इमोशंस कैसे आने वाले। और इवन जो 2019 की जो मूवी थी उसके अंदर इमोशन बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए गए थे नानी के द्वारा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। लेकिन इस मूवी में, यानी जर्सी 2022 में, जिसमें शाहिद कपूर मेन भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो यहां वो इमोशंस या फिर कहीं इतना कनेक्शन हम नहीं कर पाते हैं। रीजन मुझे नहीं पता, शायद मैं एक मूवी देख चुका था, उन इमोशंस को मैं जान चुका था, स्टोरी में जान चुका था, शायद ये कारण रहा था। दूसरा रीजन मुझे इस मूवी का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये लगता है कि इसमें लैंग्वेज जिस तरीके की यूज की गई है, मतलब हिंदी और पंजाबी, कहीं हिंदी कहीं पंजाबी, दोनों ही मिक्स चला रहे हो। एक लैंग्वेज का यूज कर लो सही ढंग से, उसी के ऊपर फोकस कर लो, शायद कनेक्शन बन जाए। लेकिन नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ तो मूवी ने गुड़ गोबर कर दिया। इतनी बोरिंग मूवी रही है फर्स्ट हाफ की, इतनी, मतलब यार वो शब्द कहना खराब से भी बदतर ये मूवी रही है। इतना एक्सपीरियंस खराब रहा है फर्स्ट हाफ का, तो मतलब अगर वहां पर अगर स्किप का बटन होता ना तो वो स्किप बटन दबा देता अगर फर्स्ट हाफ को निकालने का। इतना खराब, इतना बेकार सा वो डिसअपॉइंटमेंट मैं कह सकता हूँ कि मुझे पसंद नहीं आया यार बिल्कुल भी फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनता है, लेकिन लास्ट की इसकी एंडिंग जो मैंने देखी है ना यार, मुझे फर्स्ट मूवी फार फार बेटर लगी है इससे। मतलब मैं कंपैरिजन ही नहीं कर सकता हूं मैं इस 2022 की मूवी को 2019 से। 2019 की जो मूवी थी जर्सी, वो अभी भी बेस्ट मूवी है एज कंपेयर टू, भैया ये तो एकदम खराब कचरा गया हूं इसको। मूवी की अगर कहानी की बात करें तो 36 साल का एक व्यक्ति अर्जुन तलवार उसका नाम होता है, 26 साल का जब था उसने क्रिकेट छोड़ दी थी। रीजन हमें दिखाया जाता है, रीजन ऑब्वियसली 2019 वाली मूवी में दिखाया गया था, वही रीजन इसके अंदर है। अगर आप लोगों ने वो मूवी देख रखी होगी तो आपको सब कुछ पता है इसके अंदर क्या होने वाला है, एक एक चीज आप अच्छे से जानते हो। अब यहां पर उसके क्रिकेट में वापस आने के कारण भी हमें इसमें दिखाए गए हैं, एक ये जर्नी दिखाई जाती है। यहां पर जैसे वो जलील होना अपनी पत्नी के द्वारा, क्योंकि वो अपनी पत्नी के पर्स में से पैसे चुराते हुए हमें ट्रेलर के अंदर भी वो देखा है, वो बार बार वो जलील होना, इतना सब कुछ एक इंसान के ऊपर गुजरता है तब वो कैसे कम बैक करता है, ये सब चीजें इसमें दिखाई गई हैं। देखो यहां पर ये जो मूवी हमें देखने को मिली है 2022 वाली, इससे बेटर मैं मूवी कहूंगा कि अगर आपको देखना है क्रिकेट से जिसमें कुछ अच्छा वर्क भी किया गया है, तो कौन परवीन तांबे जाकर वो मूवी देख लो, वो बहुत बढ़िया इंस्पिरेशनल मूवी है, वो बहुत जबरदस्त मुझे मूवी लगी है। वहां पर आप उस मूवी के बाद इस तरीके की मूवी रिप्रेजेंट कर रहे हो यार, बिल्कुल भी कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि ये मूवी स्टैंड भी कर पाएगी। आप जिसमें क्रिकेट, जो मुझे बिल्कुल क्रिकेट पसंद नहीं है, परवीन, कौन परवीन तांबे, जिसमें एक बढ़िया तरीके से उसमें क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया गया है, मुझे वो पसंद आई। यहां पर बोरियत होने लगी थी, क्रिकेट का कोई सीन इसमें एक आधा, मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है वो शॉट कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया यार, बस सिंपल हवा में गेंद जा रही है, बस वही देखने को मिल रहा है, मुझे वो बहुत खराब लगा। अब काफी सारे लोग इस मूवी में परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि जो शाहिद कपूर है उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त दी है, ऐसा मैंने आईएमडीबी के ऊपर रेटिंग में जब पढ़ रहा था तो वहां पर भी देखा मैंने। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि देखो 2019 में अगर आप मूवी देखते हो 2019 वाली, उसमें जिस तरीके की परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत पसंद है, उसमें जैसे इमोशंस बाहर आए हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस मूवी के इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आए हैं। हाँ, काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें, ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि यार इसमें नया कुछ नहीं है, वही पुराना आपने चेप दिया यार, इवन उसको खराब करके और हमें दिखा रहे हो, तो क्या जरूरत थी उसको। एक मास्टरपीस था ना जर्सी 2019 मूवी थी ना, उसी को लोग देख लेते, अच्छी मूवी थी, बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है अभी भी है, इससे तो काफ़ी अच्छी मूवी है। तो देखो यार मुझे नहीं लगता, अगर आप लोगों ने पुरानी मूवी देख रखी और आप इस मूवी के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। और अगर आप लोगों ने पुरानी मूवी नहीं देखी यार, आप सोच रहे हो कि नई वाली मूवी देख लेते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि पुरानी वाली मूवी ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू जो नई मूवी आई है।
तो अब आपके मतलब दिमाग पे, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10। देखो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वास्तव में हुई है, भले ही स्टोरी, भले ही इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कुछ नया देखने के पर्पस पे गया था, लेकिन नया तो इसमें कुछ भी नहीं मिला यार, इवन निराश होकर जरूर आए। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, और नहीं देखी है तो वीडियो को तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।